हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हम देखेंगे आज कि हमने जो शंकरा में कल हमारा जो टारगेट आया वो किस तरह से आया। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड, ये एक सुपर स्ट्रेटजी में हमारा ये ट्रेड सेटअप बना था। कैसे बना उसका डिटेल हम पूरा आपको बताएंगे, किस तरह से बना ये मेरे सब लगे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जिन लोगों ने मेरा ये शेयर आलम ऑनलाइन कोर्स लिया है ना, उनके लिए ये एक लर्निंग वीडियो भी है, आप आराम से लर्निंग और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, सुपर स्ट्रेटजी क्या होती है? सुपर स्ट्रेटजी बोल लो या 20% की रैली बोल लो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 20% की रैली आई थी। कब आई थी? करीबन आई है ये 7 फरवरी को, 7 फेब 2022, यानी ऑपरेटर इसको तब ऊपर लेके गए और यहाँ तक लेके गए थे ऊपर। हम इसमें ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम करते हैं हमारे लेवल पे। ठीक है, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पे हमने हमारा मार्क कर लिया। आपको पता है ये GTT ऑर्डर पे ही पूरा काम होता है, हमने यहाँ पे हमारा GTT ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, 2022 में लगाया था तो 2023 में ख़त्म हो जाता है, 2024 में लगाया होगा फरवरी में फिर से दोबारा। ठीक है, तो ये आपको हम देखेंगे कब ट्रिगर हुआ और तो कैसे इसका टारगेट आया, हमने किस तरह से इसमें पैसे निकाले। तो आप ये मत देखो कि ट्रेड 2022 से स्टार्ट हो गया, ट्रेड 2022 में स्टार्ट नहीं हुआ है। ट्रेड को हमारा सिग्नल मिला है कि यहाँ पे भैया इसमें ऑपरेटर आ चुके हैं, अब आपको इसमें कमाने का मौका मिलेगा। तो एग्जैक्ट बेस जो इसका है वो 500 पे है, यानी हमारी एंट्री 500 पे होगी और इसका जो टॉप था वो 608 था। ठीक है, करीबन 22% के आसपास, या 21 पकड़ लो आप, 21 के आसपास इसका ये पूरी रैली थी। ठीक है, 21 जो भी आप बोलो। तो हमने हमारा GTT ऑर्डर प्लेस कर दिया और हमने हमारा टारगेट भी रख दिया कि हमें मालूम है इसमें 20% मिलना मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ। ट्रिगर कब होगा? जब ये 500 पे वापस आएगा तब। अब यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं, अभी नहीं आया, ये वापस वहीं से ऊपर गया। ठीक है, ऊपर, अच्छा यहाँ भी इसने रैली बनाई थी 20% की, ऊपर यहाँ से भी रैली बनाई थी, लेकिन ये इतने ऊपर हम नहीं लेते हैं, कम से कम 40% नीचे आना चाहिए अपने बेस प्राइस से। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लर्निंग वीडियो है, यहाँ से आपने देखा तो ये 20% तो ये भी हो रहा है। ठीक है, 26% हो रहा है, तो ट्रिगर भी हो गया हमारा यहाँ पे आके, लेकिन टारगेट हमारा नहीं आया। देख लो, टारगेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा ये पहला ट्रेड था पीछे वाला, इसको अब डिलीट कर देता हूँ मैं, ये ट्रेड को अब डिलीट कर, क्योंकि इतनी ऊपर लेके कोई मतलब नहीं है, कम से कम 40% गिरा हुआ होना चाहिए तब हम वहाँ एंट्री करेंगे। और यहाँ पे आराम से 45% ऊपर से नीचे आया है, देखो। तो 500 पे ही हमारा ट्रिगर हुआ, ये यहाँ पे आके ट्रिगर हुआ, कौन सी तारीख को? 4 अक्टूबर को, नहीं 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को इसने 500 का प्राइस हिट कर दिया। ठीक है, ये देख लो, थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ आपको मैं, ये वाली जो कैंडल थी ये हमारी ट्रिगर कैंडल है 7 अक्टूबर की। अब 7 अक्टूबर को ट्रिगर हो गया हमारा प्राइस, लेकिन भैया प्राइस था ये इतना नीचे आ गया, 11% तक नीचे आ गया ये ट्रिगर प्राइस से भी। तो ये कोई बात नहीं, 11% नीचे आ गया, हमारा जो 10% का ABCD स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे हमको काम आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, हमने यहाँ पे ट्रेड ए यहाँ पे ओपन कर लिया हमारा 500 पे, उसका हमने GTT ऑर्डर लगा दिया 608.70। ठीक है, पूरा एक्जैक्ट लगा दिया आपने, कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कम बढ़ कर सकते हो आप, लेकिन आपने बोला पूरा हमने लगा दिया। अब यहाँ से ये नीचे आया 11% और, तो हमने यहाँ पे हमारा 10% पे ट्रेड बी भी ओपन कर लिया। ABCD स्ट्रेटजी जो मैंने आपका वीडियो डाला हुआ है, ABCD स्ट्रेटजी में क्या होता है, 10% नीचे आएगा तो वहां पे हम सेम क्वांटिटी और ऐड करेंगे जितनी हमने ऊपर ली है। जितने सपोज हमने ऊपर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो नीचे भी हम 1 लाख ही लगाएंगे, तो वहां आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएंगी।
ठीक है, तो यहाँ से नीचे आया 11%। हमने यहाँ पे एक और ट्रेड बी ओपन कर लिया। ट्रेड बी का टारगेट क्या होता है हमारा, ट्रेड ए का बाइंग पॉइंट यानी 500। तो ये देखो यहाँ पे हमने किया, ये अचीव हो गया, ट्रेड बी का टारगेट हमारा आ गया 10%। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कल इसने 11 नवंबर को हाई बनाया 609.95, यानी हमारा ट्रेड ए बी पूरा हो गया। तो हमने कितने दिन में यहाँ से स्टार्ट किया, इस कैंडल से लेके 25 दिन लगे खाली, 25 बार्स, 1 डे, 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 डे। तो 25 दिन में हमने यहाँ पे 10% और यहाँ पे 22.60%, यानी 11 यहाँ पे पकड़, 10 यहाँ पकड़ लो, 22 यहाँ पकड़ लो, मोटा मोटा आपने 32-33% यहाँ पे आपने कमा लिया। कितने दिन में, 35 डेज में। तो ये होता है, लोग क्या करते हैं, लॉस में डर के भाग जाते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में दम है, आपको स्ट्रेटेजी पे पूरा भरोसा है, तो आपका टारगेट ऊपर आएगा, आपका प्राइस भी ऊपर आएगा। तो देख लो, हमको भले इसको कितना टाइम मिला, हमको 7 अक्टूबर को हम वो ट्रिगर हुआ है, 22 फरवरी 2022 का हमारा ट्रेड, 22 फरवरी था, कौन सा था ये ट्रेड हमारा, कब जाके ट्रिगर हुआ है, 7 अक्टूबर को जाके ट्रिगर हुआ है। तो वेट करना पड़ता है भैया, मार्केट है ये। ये देखो यहाँ हमारा सिग्नल बना था 8 फरवरी को, 7 फरवरी को, ठीक है, 7 और 8। तो 8 फरवरी 2022, 2023, 2024, 2 साल हो गए, मोटा मोटा 2.5 साल बाद हमको इसने हमको ये ट्रिगर दिया है। तो आप ये मत सोचना कि ये एक ट्रेड ने 2.5 साल में दे दिया, ट्रिगर तो आपको कभी भी मिल सकता है। मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक टाइम करेक्शन होता है और एक प्राइस करेक्शन होता है। तो इसमें ऑपरेटरों को अपना टाइम लगाया उन्होंने कि जब तक उनका पूरा माल नहीं हो जाएगा ऊपर लेके नहीं जाएंगे ये। और यहाँ आपने ऊपर एंट्री कर ली होती 20% रैली देख के, तो आप यहाँ पे फंस जाते, ये ट्रेड आपका। हाँ, नीचे अगर और एक और ओपन हो जाता, सपोज ये नीचे और आता 20% से, यहाँ से भी अगर रैली लेता ये, तो हम इसमें और चले जाते। अभी इसने देखो 12% की यहाँ दी है और ये दी है करीबन 4, तो ये भी हमारा एक एक नया ट्रेड बन सकता है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, अगर 20% की रैली यहाँ पे आ रही है तो एग्जैक्ट 20% की आ रही है, ठीक है, तो यहाँ हमारा एक ट्रेड, एक नया ट्रेड ओपन हो सकता है। कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा 21% तो हो गया ना, बस हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है 20% भागना चाहिए। अब ये भाग गया है, तो पहला जो पहले ट्रेड थे वो तो हमारे ख़त्म हो गए। अभी सब मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, आपको ये जितने भी थे सब ड्रॉइंग रिमूव। अब यहाँ पे हमें देखना है ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है ये, ऑल टाइम नहीं बोला तो रिसेंट हाई भी देख लो आप। सीधा आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है, फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट मार्क करके भी दिखाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक 50% आ चुका है, ठीक है, तो हम यहाँ ले सकते हैं एंट्री, कोई बात नहीं, 50% ले लेंगे हम। कैसे लेना है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ है पॉइंट, इसको यहाँ लगा लो एक हॉरिजॉन्टल रे आप, ये होगा हमारा बाइंग पॉइंट, ठीक है, इसको हम कैंडल को कर देंगे ग्रीन। टारगेट हमारा क्या होगा इस ट्रेड का, पर्टिकुलर ट्रेड का, ये वाला ऊपर ये लगा दो ये। अब हमें वेट करना है जब ये 470 पे आएगा, जीटीटी ऑर्डर आप लगा दो 470 का, टारगेट उसका लगा दो 569 का, ठीक है, सारे क्राइटेरिया हमारे मैच हो रहे हैं, नया ट्रेड आपको। अब वो ट्रिगर आपका कभी भी हो, आपको तो ट्रिगर से देखना है ना, ट्रिगर से आपको कितने दिनों में टारगेट आया, तो देख लो 25 दिन में आपको 32% मिल गए, लेकिन हम जीटीटी ऑर्डर लगा के हमारा रख देंगे। तो इस तरह से जीटीटी ऑर्डर पे वर्क करता है। मेरे सारे ऑर्डर्स जो भी हैं जीटीटी पे लगे होते हैं, चाहे वो बाई का हो चाहे वो सेल का हो। तो मैं आज ही इसमें 470 का एक जीटीटी ऑर्डर ओपन कर दूंगा, क्वांटिटी सेम वही है जो मैंने आपको बताया है, रिस्क मैनेजमेंट वो आप इसमें देख लेना।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें थोड़ा क्लियरिटी आया होगा। मार्केट में पैसा बहुत बनता है, बस आपको अपना सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा। 25 दिन में 30% कम है क्या? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।